गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। ओ माय यस। तो चलते हैं दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी प्रोमिनेंट, जितने भी एसेंशियल खबरें हैं जो हमारे लिए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करते हैं। तो चलते हैं अब आगे, क्योंकि आज लेट भी हो चुका है। देखिए, यहाँ लिखा है, मोदी हिंट्स एट ग्रेडेड एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन सेज डेंजर नॉट एवर। तो ग्रेडेड का मतलब होता है यहाँ पर श्रेणीबद्ध तरीके से, और डेंजर नॉट ओवर का मतलब होता है खतरा अभी टला नहीं हुआ है। ठीक है, मोदी जी ने हिंट दिया है, ठीक है, ग्रेडेड एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन, कि लॉकडाउन हटाया जाएगा पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से, या फिर कहें श्रेणीबद्ध तरीके से, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है। तो वेट, यहाँ आप आकर देख सकते हैं चीज़ों को, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे टोल्ड चीफ मिनिस्टर दैट थ्रू द लॉकडाउन फॉलोइंग द COVID-19 आउटब्रेक हैड येल पॉजिटिव रिजल्ट एंड द कंट्री मैनेज टू सेव थाउजेंड ऑफ लाइफ इन द पास्ट 1.5 मंथ। जिस तरह से राज्यों के जो CM है अपने अपने राज्यों के लोगों को पिछले 1.5-2 महीने से जिस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जिंदगियों को, अभी भी जो है कि ये समस्या थमा हुआ नहीं है। इसलिए हमें आपस में अभी भी बहुत ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा, और हो सकता है जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया जाएगा। जो ज़्यादा सेंसिटिव जोन होंगे, जो हॉटस्पॉट होंगे, उनके लिए अलग से प्रावधान होंगे, और जहाँ पे अभी उस तरह की संवेदनशीलता नहीं है, जहाँ पे संक्रमितों की संख्या कम है या फिर ना के बराबर लगभग है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रिजर्वेशन देने की बात की जाएगी। यहाँ पैराग्राफ के माध्यम से देखिए किस तरह से बताया गया है, चार डिपिक्ट महाराष्ट्र पुअर रिकवरीज एंड राइजिंग एक्टिव केसेस विद अ हाई ओवरऑल केस काउंट। यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र की स्थिति कितनी बद से बदतर होती चली जा रही है। अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा का कोई राज्य है जहाँ पे संक्रमितों की संख्या पीड़ित है तो दोस्तों महाराष्ट्र ही है, उसके बाद में भी दिल्ली है। अब देखिए, जैसे कि मैं जो मेन जो कंटेंट है, जो हेडिंग है, उसे बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग नीचे, ठीक है, नीचे धीरे धीरे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ICMR, ठीक, ICMR का मतलब होता है एक संस्था है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे आप कहते हैं, सेज नो पेमेंट मेड फॉर चाइनीज टेस्ट किट सप्लाईज। तो दोस्तों, इस संस्था ने कहा है कि जितने भी चाइनीज किट्स सप्लाई किए गए हैं सप्लायर के द्वारा, उसकी जो पेमेंट है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो जो है केस इस समय हाई कोर्ट में चला गया है। इसलिए किया गया, देखिए यहाँ पे लिखा है ने, हुज डिलीवर्ड कॉस्ट 245 एट टेस्ट वेयर सोल्ड बाई ICMR फॉर 600 एट टेस्ट। जो चीज़ें 245 की हैं, ICMR को, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च को 600 रुपये में बेचा जा रहा है। तो जो एक तरह से धांधली की जा रही है, तो ये बहुत ही दुविधा भरी घड़ी में भी दोस्तों किस तरह से कुछ लोग हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में हैं, अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, उनसे कोई मतलब नहीं है ज़िंदगियों के बारे में। और तमाम तरह के बातें भी हो रही हैं, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट हैं, चाहे PPE हो, PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तो दोस्तों उसकी गुणवत्ता लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, और तमाम तरह के जो कंपनियाँ बायकट कर रही हैं चाइनीज इक्विपमेंट का। तो चाइना भी देश कम नहीं है, पहले तो पूरे देश को संक्रमण में डाल दिया, उसके बाद अपने अपने जो इक्विपमेंट है मेडिकल से संबंधित सारे देशों को बढ़ चढ़ के दामों पे बेच रहा है। जितने भी CBSE के छात्र होंगे उनके लिए बता दें, CBSE एग्ज़ाम्स विल बी डिलेड। जो CBSE का एग्ज़ाम होने वाला था वो दोस्तों डिले कर दिया गया है, अब कब तक रहेगा देखते हैं। उसके बाद है
आरबीआई ओपेंस 15,000 करोड़ लिक्विडिटी टैप फॉर एमएफ्स। एमएफ्स का मतलब होता है म्यूचुअल फंड्स। आपको बता दें तमाम तरह के जो म्यूचुअल फंड हैं हमारे देश में, आर्थिक स्थिति से उनकी स्थिति दयनीय होती चली जा रही है और वो डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे में आरबीआई ने ओपन किया है 50,000 करोड़ रुपया। लिक्विडिटी का तरलता भी होता है, देना भी होता है। तो उसने म्यूचुअल फंड को 50,000 रुपये का एक राशि दिया है कि वो जिस तरह से धराशाही हो रहे हैं वो अपने स्थिति को बनाए रखें। ये देखिए लाइन एंड लेंथ, बैग वेयर लाइंड अपॉन द रोड एज पीपल वेटेड द सेल ऑफ राशन। राशन लेने के लिए जिस तरह से लोग लाइन में ये अपने बैग रख दिए हैं, तो एक अच्छा मिसाल है दोस्तों कि आप लोग वहाँ पर ना खड़ा होके अपने बैग रख के वहाँ से चले जाएं। इससे क्या है कि जो संक्रमण है उसका खतरा कम रहेगा। नहीं तो कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं किस तरह से राशन लेने के लिए मारामारी किया जा रहा है और जो लॉकडाउन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। सेंटर पीचेज फॉर होम्स आइसोलेशन ऑफ मिड केसेस। तो सेंटर ने जो बार बार कहा है कि आप अगर अपने घर में ही हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो रिकवरी रेट है दोस्तों वो 22.17% है। मतलब यहाँ पे जो है अगर कोई संक्रमित व्यक्ति भी है तो वो ज़्यादातर रिकवरी भी हो जा रहा है। तकरीबन 6,000 लोग अपने घर भी गए हैं वापस। तो ऐसे लोग जब अपने घर पे वापस जाएं तो कुछ दिनों के लिए आइसोलेट कर लें, क्वारंटीन कर लें अपने आप को, अन्यथा इसका परिणाम गलत हो सकता है। यहाँ पे एसेंशियल गुड्स मूवमेंट अप सेज गवर्नमेंट। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, मूवमेंट का मतलब होता है जारी रखना या आंदोलन। तो यहाँ होगा जारी रखना, यहाँ के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो जो जरूरी चीज़ें हैं अब उनको आवश्यक है संचालित करने का गवर्नमेंट ने कहा है, क्योंकि दोस्तों यदि सारी चीज़ों को संचालित नहीं किया जाएगा तो पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से सारी चीज़ें एक ही जगह रुकी हुई हैं तो ऐसे में खाद्यान्न संबंधी चीज़ों की कमी हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को छूट, रिजर्वेशन दे रही है, रिलैक्सेशन दे रही है कि इन चीज़ों की डिलीवरी तत्काल की जाए। तो इसीलिए देख लीजिए वर्कर जो है कि चीज़ों को, जो अनाज है उसको एक जगह ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश में है। अब ये देखिए कल जो है कि न्यूज़पेपर में इसे काफ़ी बार चलाया जा रहा था पूरे दिन भर, पोस्ट रिकवरी तबलीगी डोनेट ब्लड प्लाज्मा। जिस तबलीगी जमातियों के ऊपर तमाम तरह के लोग आरोप प्रत्यारोप मर रहे थे, आज देखिए पोस्ट रिकवरी, जैसे ही तबलीगी जमात के कुछ लोग रिकवर हुए हैं इन्होंने अपना जो ब्लड प्लाज्मा है लोगों को डोनेट किया है। तो एक तरह से देख सकते हैं ये हमारे समाज के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज जा रहा है कि तबलीगी जमातियों ने जिस तरह से देश को अस्थिर करने की कोशिश की थी, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, पर अब उन्होंने, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो देश के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ संकेत है। और कुछ तबलीगी जमातियों का कहना है कि मौलाना साद ने ये ऑर्डर दिया है या फिर कहीं एक निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करो और लोगों को बचाने की कोशिश करो। अब है दिल्ली राइट्स जामिया अलुमनी चीफ अरेस्टेड। अलुमनी का मतलब होता है पूर्व छात्र संघ। दिल्ली में जो दोस्तों दंगा हुआ था ना, जो जामिया का पूर्व छात्र था वो अरेस्ट हो चुका है, ठीक है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हैज अरेस्टेड जामिया मिलिया इस्लामिया अलुमनी एसोसिएशन प्रेसिडेंट सफी उर रहमान अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट फॉर एलिजली हैचिंग कंस्पिरेसी टू प्रोवोक कम्युनल राइट्स इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। इनके ऊपर जो दोस्तों कानून लगा हुआ, धारा लगा हुआ कि इन्होंने किस प्रकार से एक साजिश के तहत कम्युनल हारमोनी को बिगाड़ने की कोशिश किए हैं, तो इस वजह से ये जेल में है। जामिया स्टूडेंट इन क्वारंटीन एट तिहार गेट्स 10 मिनट्स विद लॉयर। जामिया का जो स्टूडेंट है दोस्तों वो अपने लार से 10 मिनट तक अकेले में बात किया। जामिया मिलिया इस्लामिया स्कॉलर्स सफूरा जरगार इम्प्रिजन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़, वही है
इलीगल काम करेंगे तो क्या होगा। ये देखिए आप, इनको तो याद ही होगा, शाहरुख पठान ब्रैंडिज्ड अ गन एट ए कॉन्स्टेबल ड्यूरिंग द रिसॉर्ट्स। जब दिल्ली में दंगा हो रहा था तो किस तरह से एक कॉन्स्टेबल के ऊपर, कह सकते, ब्रैंडिज का मतलब होता है धमकी देना, गन तान के उन्हें धमकी दे रहे थे। उसके बाद ये हिरासत में है, तमाम तरह की पूछताछ की जा रही है। ये देखिए डीडीए का मतलब होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। जितने भी ई ऑक्शन का मतलब होता है ना ऑनलाइन नीलामी करना, ऑक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बेचना, नीलामी करना। तो दोस्तों 11 मई से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन चीज़ों की बिक्री, चाहे वो प्लाट हो, चाहे रेसिडेंशियल और कमर्शियल चीज़ों की होगी। उसके बाद है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ऑन दिल्ली बॉर्डर रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर है दोस्तों, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट मिले हैं जो नहीं होने चाहिए, ठीक है। लोग चोरी से एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, अन्यथा इस वजह से पूरे समाज को भुगतना पड़ सकता है। 11 मोर इन्फेक्टेड एट बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल। एक चीज़ बताएं आपको, जो लोग, पहले इसका मीनिंग बता दें, 11 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में। और इन 11 लोगों में दोस्तों हैं या तो कोई नर्स है, या तो डॉक्टर, या तो मतलब स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ये लोग हैं, जो लोग दूसरों को जिंदगियां दे रहे थे, दूसरों की सुरक्षा के लिए अपना 24 घंटा कई महीने से लगे हुए हैं, वही सुरक्षित नहीं है। इसीलिए बार बार बताया जा रहा है, जब डॉक्टर इतने इक्विपमेंट के बाद भी अगर वो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं तो हम, आप की क्या हाल होगी। इसीलिए दोस्तों दूर रहें लोगों से, एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे पालन करें। ये देखिए दिल्ली के अंदर 24 घंटे में किसी की मौत तो नहीं हुई, पर 190 लोग नए लोगों का आइडेंटिफाई हुआ है, और इस तरह आंकड़ा बढ़कर 3108 हुआ है। टोटल 54 लोग मरे हैं, 190 लोग 24 घंटे में मिले हैं। दिल्ली टू अवेट सेंटर ऑर्डर एंड एक्सटेंडिंग लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वेट कर रही है कि जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, जो लॉकडाउन को एक्सटेंड करे। कंपेंसेशन अनाउंस फॉर फैमिलीज ऑफ एसडीएमसी वर्कर्स। जी हाँ दोस्तों, जो एसडीएमसी के वर्कर हैं, जो कोरोना के दौर में अपनी तमाम तरह की सेवाएं दे रहे हैं, यदि उनमें से किसी की भी मौत होती है तो कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अलाउड ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज शॉप्स इन सम एरियाज अमरिंदर। पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह जी ने कहा है केंद्र सरकार से, कुछ चीज़ों को आप खोलने का अलाउ करिए, जैसे इंडस्ट्री हुआ, कुछ दुकानें हुई। इन्होंने दोस्तों होम मिनिस्टर को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें इन्होंने निवेदन किया है कि इस वजह से सारी चीज़ें, जो आवश्यक चीज़ें हैं, कमी हो रही हैं और स्थिति और भी बिगड़ सकती है। ओपनिंग इंडस्ट्रीज नॉट इनफ। जो ओपन किया गया कुछ इंडस्ट्रीज को, ये अभी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नीड मोर रिलैक्सेशन, और भी इसमें रियायत देने की आवश्यकता है, ठीक। देखिए डॉक्टर एसोसिएशन इन अलीगढ़ कंडेम बीजेपी एमएलए रिमार्क। बीजेपी के एक एमएलए हैं जिनकी वजह से डॉक्टरों ने कहा कि हमें इनके ऊपर, कंडेम का मतलब होता है शर्म या किसी की बात को कोट करना, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं दोस्तों, कुछ पार्टी के लोग हैं, नेता लोग हैं, जो बड़े भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिससे डॉक्टर जो दिन रात लगे हुए हैं उनकी, वो आहत हो रहे हैं कि 24 घंटा देने के बाद भी और इतने कोशिश करने के बावजूद भी अगर हमारा इस तरह से दोहन हो रहा है, हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो गलत है। वर्कर इन गुरुग्राम प्लान टू वॉक टू देयर विलेज इन एमपी। देखिए कुछ वर्कर हैं जो गुरुग्राम में फंसे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग पैदल चलेंगे एमपी। ये हौसला है। यहाँ देखिए आईटीआई मेक्स लो कॉस्ट एरोजोल बॉक्स फेस सील। आईटीआई के कुछ लोग हैं जिन्होंने
फेस मास्क काफी कम दाम में बनाया है। उसके बाद है ये, अब जो मेन चीज़ है इसे आप देख लीजिएगा, यह है द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड न्यू ऑर्डर। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेक होता है, और डिसरप्शन का मतलब होता है बिगटन एंड न्यू ऑर्डर। ठीक है, ये जो लेक है इसके बिगटन का, और एक जो न्यू ऑर्डर है, एक तरह से देखा जाता है पूरा कोरोना काल के बारे में यहाँ पर आप कर सकते हैं कि चाइना से लेकर किस तरह से निकला, उसके बाद किन देशों को झेलना पड़ा, इस तरह की चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि चाइना को वजह से जो आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एक दूसरे से अलग थलग पड़ी हुई हैं, जिस तरह से फंड रोक दिया अमेरिका जैसे देश ने, और तमाम तरह के WHO के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया इन द पोस्ट पैनडेमिक वर्ल्ड, यहाँ पे दिखा रहा है कि इंडिया उस पैनडेमिक वर्ल्ड में पहुँच चुका है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।